हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे स्वांजने की फली। इसे हम ड्रमस्टिक भी कहते हैं। कहा जाता है कि इसको अगर आपने 15 दिन खा लिया तो आपको पूरा साल भर फीवर नहीं होता। भाई, जिसकी इतनी मेडिसिनल वैल्यू है, वो सब्ज़ी तो घर में बननी चाहिए। तो चलिए इसकी रेसिपी हम शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं करीब 250 ग्राम ड्रम स्टिक्स। इनको हम छील लेंगे, इनका छिलका जो है प्रॉपरली ऐसे उतार लेंगे। इसी तरह से मैंने लिए हैं 5 से 6 आलू। ये पूरा तरह से आप पे डिपेंडेंट है कि आप आलू डालना चाहते हैं या नहीं। आप सिर्फ ड्रम बीट्स भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो ड्रम बीट्स छील के रखे हैं, उनको हम वॉश तो करेंगे ही। उसके बाद हम इनको हल्के से तेल में थोड़ा सा सौते कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी। अब जो तेल बचा है, उसी में मैं थोड़े से आलू को भी 5 मिनट के लिए हल्का सा इसको फ्राई कर लूँगी, बहुत लाइट। अभी मसाले के लिए मेरे पास 4 टमाटर हैं, 1 प्याज है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, उसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा जीरा करीब 1/2 चम्मच, और ये है जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट। सबसे पहले सीख लें। अभी इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डाल देंगे, जिससे कि हमारा मसाला और जल्दी से भुन जाएगा। अभी हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और डालने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पे मसालों के साथ और भूनने रख देंगे। पाँच मिनट के बाद हमने जो टमाटर और हरी मिर्च की जो पेस्ट बनाई थी, वो अब हम इसके अंदर डालेंगे और ढक के तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर जो है खूब अच्छे से पक ना जाए। तो देखिए, इट्स ऑलमोस्ट डन। बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन चुका है। अब जो हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। इन वेजिटेबल्स को डालने के बाद अभी हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। इसको सूखा ही मसाले में भूनने के लिए 5-7 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख देंगे। आप चाहें तो आप सूखा भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने रस वाली बनाई है। पाँच सात मिनट हो चुके हैं भुनते हुए, अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। पानी हम करीब 1.5 ग्लास डाल देंगे, क्योंकि जब ये उबलेगी या खदकेगी तब ये पानी काफ़ी सोख कर लेंगे, और काफ़ी पानी जो है एवोपरेट भी हो जाता है, तो थोड़ा पानी हम ज़्यादा डालेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और डाल देंगे, और इसको अब हम रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इसे रख देंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, और इसको अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हरा धनिया। एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे कि क्या हमारी फली जो है वो गल गई या नहीं, तो इसको आप निकाल के धीरे से हाथ से ही चेक कर लीजिए।
ये सब्ज़ी मेरी बहुत फेवरेट है और मुझे लगता है आप लोग में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये पसंद करते हैं। इसको आप ज़रूर पूरी सीज़न में 10-15 बार ज़रूर बनाइए। बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें मेरा चैनल भी, एंड लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी।